अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कबायली इलाका जात के अंदर आज इलेक्शंस हो रहे हैं। पहली मरतबा सूबाई असम्बली के इलेक्शंस कबायली इलाका जात में फाटा के अंदर हो रहे हैं। हम इसके मुतालिक वीडियो के अंदर बात करेंगे। हम आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताएँगे कि कौन सी पार्टीज़ कहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही हैं, किसका पलड़ा भारी है। पिछले साल फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार ये बात कहते रहे हैं कि कबायली इलाका जात का सिर्फ एक ही हल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कबायली इलाका जात को मर्ज किया जाए। तो पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इसके ऊपर कोशिश की, असम्बली से इसको पास करवाया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर ही ख़त्म होते होते उन्होंने एक अच्छा काम किया और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज कर दिया, जिसके ऊपर सूबाई असम्बली के आज इंतखाबात हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टी जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पार्टीज़ के उम्मीदवार वहां से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। कबायली इलाका जात के 7 अज़ला की 16 सीटों पर, सूबाई असम्बली की 16 सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। इस इंतखाबात के अंदर 285 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 202 उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि बाकी जो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ पार्टी से उनका ताल्लुक बताया जाता है। इन तमाम हलकों के अंदर 28 लाख वोटर्स हैं, जिनमें तकरीबन 11 लाख वोटर्स खवातीन हैं। तो इन इलेक्शंस के अंदर खवातीन भी वोट डालेगी, ये एक बहुत अच्छा कदम है। अगर पार्टीज़ की बात करें, पार्टीज़ के उम्मीदवारों की, तो 16 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के 15 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के 14 उम्मीदवार आज के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के 13-13 उम्मीदवार आज के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सबसे कम उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवार आज के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर पार्टी पोजीशन की बात की जाए, तो अब तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हुकूमती पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती हुई नज़र आएगी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से निकाल लेगी। इससे पहले भी 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। तो ये कहा जा रहा है कि उसी का तसलसल बरकरार रहेगा और कबायली इलाका जात के जो इलेक्शंस हैं, यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्लीन स्वीप करेगी। अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए, तो इस पूरे इलेक्शन को कवर करने के लिए 1897 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनके अंदर 482 पोलिंग स्टेशंस मर्दों के लिए मखसूस हैं, जबकि 376 पोलिंग स्टेशंस खवातीन के लिए, जबकि 1049 का पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, यानी उनके अंदर खवातीन और मर्द दोनों वोट डाल सकते हैं। भजौर एजेंसी, मोहम्मद कुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी और अक्सई शुमाली वज़ीरस्तान और जनूबी वज़ीरस्तान के अंदर ये आज का इलेक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें नतज की, तो अब तक जो एक्सपेक्टेड नतज हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड करती हुई नज़र आएगी। इस इलेक्शन को करवाने के लिए अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है वो पॉलिटिकल जो इस्टेबलिशमेंट है उनकी तो थी ही, लेकिन जो मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट है उनका इसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार है। आहिस्ता आहिस्ता से इन तमाम एजेंसियों को कौमी दायरे के अंदर लाया गया है, इनको पहली मरतबा वोट का हक दिया है, जो पिछले 70 साल में नहीं हो सका था वो अब हो चुका है फाइनली। ये पाकिस्तान की तारीख के लिए, पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज लम्हा है और तारीख साज दिन है, जब फाटा के रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए अपने नुमाइंदगान को आज मुंतखब कर रहे हैं। दुश्मन अब भी चाहेगा कि इन इलाकों के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ। जैसे जैसे इन इलाकों को कौमी दायरे के अंदर लाने के लिए कोशिशें शुरू की, फ़ौज ने अपना बजट जो है वो उसमें इजाफा करने की बजाय वो पैसा इन एजेंसियों को देने के लिए हुकूमत ने एक रिक्वेस्ट की थी, फ़ौज ने वो मानी। इसके अलावा NFC वार्ड के अंदर तमाम सूबों से जो एक रकम है वो भी इन अजला के अंदर खर्च की जाएगी, क्योंकि ये जो है वो सबसे पसमानदा इलाके हैं पाकिस्तान के। इन इलाकों के अंदर बुनियादी सहूलियात भी नहीं हैं। जनूबी पंजाब या सिंध के बहुत सारे इलाके उनसे भी बदतर हालात हैं। तो इन इलाकों की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि इस गवर्नमेंट का जो स्टांस है। खान साहब पहली मरतबा इन इलाकों के अंदर गए, वहाँ पर रैलीज और जलसे भी किए, वरना वहाँ पर आज तक कोई सियासतदान या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं जाता था, लेकिन खान साहब वहाँ पर गए, वहाँ पर जलसे वगैरह किए। तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद है।
हैं।